फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने केवल 4 लाख रुपए में की थी। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल पहले अमेजन कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में अमेजन को छोड़कर अपनी कंपनी बनाने का फैसला किया। फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले एक किताब को बेचा था जिसका नाम था लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड। इस किताब को हैदराबाद के एक ग्राहक को भेजा गया था। फ्लिपकार्ट कंपनी में लगभग 33,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। इस कंपनी ने 6 अक्टूबर 2014 को बकरी ईद के दिन लगभग 600 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स बेचे थे। इस दिन को फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे का नाम दिया था। फ्लिपकार्ट ने अपने प्रोडक्ट्स को डिग फ्लिप के नाम से लॉन्च किया था, जिसमें कैमरा, बैग, पेन ड्राइव, कंप्यूटर और हेडफोन्स आदि शामिल थे। फ्लिपकार्ट भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। फ्लिपकार्ट की जब शुरुआत हुई उस समय सचिन बंसल की उम्र महज 26 साल और बिन्नी बंसल की उम्र 25 साल की थी। फ्लिपकार्ट के फाउंडर के सरनेम भले ही एक समान है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। बिन्नी बंसल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था और सचिन बंसल का जन्म पंजाब में। बिन्नी बंसल ने 2 बार गूगल में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दोनों बार ही उन्हें खारिज कर दिया गया था। 2009 में फ्लिपकार्ट के पहले एम्प्लॉई अंबूर लायप्पा, जिनकी उस वक्त सैलरी महज 8,000 रुपए पर मंथ थी, आज वे 10 लाख मूल्य के शेयर के मालिक हैं। बिन्नी बंसल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सरनॉफ कॉरपोरेशन के साथ अपने टेन्योर के समय उन्होंने कार्स के लिए एक कार सेंसर डिवाइस बनाया था। बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट वेबसाइट को डिजाइन किया, जो कि पूरी तरह से कोडेड थी, और सचिन बंसल ने बिजनेस ऑपरेशन को संभाला। फ्लिपकार्ट ने 2007 से 2015 तक में अपने लोगों को 5 बार बदला है। फ्लिपकार्ट ने फरवरी 2012 को नई फ्लाइट डिजिटल म्यूजिक स्टोर की शुरुआत की, लेकिन यह अपने भुगतान सेवा की वजह से 1 साल बाद यानी 2013 में ही बंद हो गई थी। फ्लिपकार्ट ने 2014 में फर्स्ट नेटवर्किंग रूटर को लॉन्च किया। तो ये थी भारत की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे अनेकों जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।